आज की आज 17 दिसंबर के ईश्वर वरदान में आप सबका स्वागत है। परमाता पिता चाहते हैं कि हम वो हद की चीजों के ऊपर डिपेंड ना हो। हद की चीजें जैसे कि नाम मान शान धन संपत्ति, मैंने इतना किया मुझे क्या मिला, मैंने इतना समय दिया उसके लिए मुझे क्या रिटर्न मिला, इतना ही बस दिया, यही मेरी औकात है। ये सारे संकल्प हमें गिराते हैं अपनी ही नजरों में और हमें परमात्मा से दूर कर देते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमारे पास में वो जो शांति है वो कभी खंडित ना हो, वो जो खुशी है वो कभी खंडित ना हो। उसके करना क्या है, बस अपनी दिशा बदलनी है। वो दिशा बदलनी कैसी है उसको आज हम समझेंगे, ताकि कोई भी बनी बनाई प्रॉब्लम अगर आती है जो कि हम ही बनाते हैं एक्चुअली अपने मन में, होती नहीं वो प्रॉब्लम, उस चीज को हम कैसे फेस करें। तो देखें परमात्मा कहते हैं स्वराज्य की स्मृति द्वारा स्व के ऊपर राज्य करना। आज हमें सिखाया गया है कि औरों के ऊपर राज कैसे करना है, औरों को ऑर्डर कैसे करना है, औरों का बॉस कैसे बनना है, औरों को दिशा कैसे दिखानी है। लेकिन क्या कभी हमने अपने मन और बुद्धि को कभी दिशा दिखाई है कि ऐसे मत सोच, ऐसे सोच, ऐसे मत कर, ऐसे कर, ये सोचना तेरा ठीक नहीं है। क्या हमारे पास में वो विवेक की तलवार है, वो तलवार जिससे कि हम गलत सोच को काट सकते हैं, और वो तलवार जिससे कि हम गलत सोच को कभी भी आने ना दें। तो क्या हमारे पास में वो तलवार है, वो विवेक है कि नहीं है? अगर विवेक है भी, क्या उस तलवार में वो धार है जो कि हमें सिर्फ मेडिटेशन से मिलती है, कि हम शार्पन करें, कि हम उस संकल्प को बार बार करें, वो संकल्प को बार बार करें और परमात्मा से शक्ति लेकर करें। परमात्मा की शक्ति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प करना मतलब कि ईंटें लगाते जाना और उसमें सीमेंट ना लगाना, और परमात्मा को याद करके वो संकल्प करना मतलब उस ईंट के साथ में सीमेंट लगाना। सिंपल सी चीज है, चाहे आप किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अखंड सुख शांति में, अखंड जो खंडित ना हो, संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए, कंप्लीट जीवन का अनुभव करने के लिए, कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको कोई हिला ना सके, निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय आपको हिला ना सके, के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने ऊपर राज करो, अपने आपको समझाओ ये सिचुएशन कुछ नहीं है। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाली उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही ना, वो अगर ना कह देते आपको, चाहे वो जॉब में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, डील में हो, चाहे घर वाले आपको ना माने, लेकिन अगर आप परमात्मा से सच्चे हो और अपने आप से सच्चे हो, तभी पता लगेगा जब आप मेडिटेशन कर रहे हो। आप अंदर जगत, अंतर जगत में जाकर के अपने आप से झांक करके देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। जब आप सच्चे हो, कंडीशंस अप्लाई, जब आप सच्चे हो अपने साथ में, औरों के साथ में, परमात्मा के साथ में मुख्य, आपको किसी को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपको रावण या शैतान, औरों के अंदर का शैतान और अपने अंदर का शैतान सता नहीं सकता है। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं उन्हें साधन, उन्हें साधन भी हो, चाहे वो हो ना हो, छिन जाए, सेल्वेशन प्राप्तियां, दुनियावी प्राप्तियां, वह प्रशंसा, प्रशंसा भी उन्हें अगर कोई करे, चाहे ना करे, चाहे निंदा करते अगले दिन, के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, उन चीजों पर डिपेंडेंट ही नहीं होते। उनको पता है कि ये सारी चीजें क्या है, क्षणभंगुर, एक समय के लिए है। आज कोई अभी प्रशंसा कर रहा है, वो भी क्यों, कलयुग में क्यों करता है, आपसे कुछ लेने के लिए। तो वो इस झूठी प्रशंसा पे वो डिपेंडेंट नहीं होते, वो बहुत सावधान होते हैं। वो कुछ आपको प्राप्ति, कोई गिफ्ट मिल रहे हैं, उसमें भी बहुत सावधान हो जाते हैं, सो क्यों मेरे को दे रहा है, क्या चाहिए इसको रिटर्न में, तो वो लेते नहीं इन सारी चीजों को, स्वीकार नहीं करते हैं वो सारी चीजों को। इसलिए वो बहुत समझदार, विवेकशील होते हैं और वो योगी आत्माएं होती हैं। नहीं होती, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। मतलब कि उनको चीजों, वस्तुओं, प्रेज, प्रशंसा के ऊपर उनको खुशी नहीं होती, उन चीजों से वो अपने आप को मलिन और मलिच्छ नहीं बनाते हैं। परमात्मा कहते हैं वो सिर्फ मुझसे प्रेम, मुझसे अपनी सच्ची प्रशंसा, क्योंकि परमात्मा ने अपनी रचना करी, हमें रचना बनाई हुई है, तो वो हमें ही बता सकते हैं हम कितने सुंदर हैं अंदर से। दुनिया वाले हमें नहीं बता सकते, दुनिया सिर्फ शरीर की सुंदरता, कर्मों की सुंदरता के ऊपर थोड़ा सा कर लेंगे जब उनको फायदा होगा, लेकिन जब उनको फायदा नहीं होगा तो फिर वो वहीं पर थूकेंगे या वहीं पर वो गलत कहेंगे आपके बारे में। तो क्यों लेना उनसे, परमात्मा से क्यों ना ले हम। फिर परमात्मा कहते हैं किसी भी प्रकार की अशांति करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती, बिकॉज वो किसी चीज पे, किसी व्यक्ति पे, किसी वस्तु पे, किसी पदार्थ पे, किसी सेल्वेशन प्राप्तियों पर डिपेंडेंट उनकी खुशी और उनकी शांति नहीं है। इमेजिन करिए ऐसी स्थिति आप भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर के इसके और गहरे
रहस्य को समझना पड़ेगा। वैसे होता है 7 दिन का कोर्स, लेकिन 7 दिन में 1-1 घंटा सिर्फ। तो 1 घंटा मतलब 7 घंटे में ही आप ये सारे कोर्स कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं 7 दिन मतलब 7 दिन पूरे मेरे गए, नहीं, 7 आवर्स 7 घंटे सिर्फ, प्रत्येक दिन 1-1 घंटा में आप इस चीज को समझ सकते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर के। इसके साथ ओम शांति।